कोहिनूर हीरे के बारे में हमेशा ये चर्चा होती है कि ये हीरा भारत वापस लाया जाना चाहिए। दरअसल अंग्रेज इस हीरे को इंग्लैंड लेकर चले गए थे और तब से ये हीरा इंग्लैंड में ही है, लेकिन इसके खोज को लेकर काफी कम बात ही होती है। लेकिन अगर आपको हम ये बताएं कि इसकी खोज से लेकर इसके एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने की कहानी काफी रोमांचक है तो आप क्या कहेंगे? इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके खोजे जाने के बाद से अब तक की कहानी काफी रोमांच और खून खराबे से भरी हुई है। कोहिनूर हीरे के बारे में कहा जाता है कि इसे ना तो कभी खरीदा गया और ना ही किसी से बेचा गया। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खदान से निकला था और इसके पहले मालिक कातकीय राजवंश थे। कहा जाता है कि कातकीय राजवंश ने इस हीरे को अपनी कुलदेवी भद्रकाली की बाई आंख में लगाया था। 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस हीरे को कातकीय से लूट लिया। कोहिनूर हीरे को या तो युद्ध में जीता गया या फिर किसी ने किसी को तोहफे में दे दिया। बीते 800 वर्षों में यह हीरा एक राजा से दूसरे राजा के पास घूमता रहा। कोहिनूर हीरा कभी किसी को तोहफे में दिया गया तो कभी बाहरी आक्रमणकारी ने हमला कर इस हीरे को जीत लिया। फिलहाल यह इंग्लैंड की रानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। कोहिनूर हीरा करीब 8 साल पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले स्थित गोलकुंडा की खदान से निकला था। तब इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था और इसका कुल वजन 186 कैरेट था। हालांकि इसके बाद से इस हीरे को कई बार तराशा गया और इसका मूल रूप 105.6 कैरेट का है, जिसका कुल वजन करीब 21.12 ग्राम रह गया है। शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले इसे भारत में खुदाई के दौरान निकाला गया, फिर खिलजी शासकों के पास यह हीरा गया, लेकिन खिलजी शासकों से मुगलों ने इस हीरे को छीन लिया। इसके बाद एक ईरानी शासक ने मुगलों से कोहिनूर को छीन लिया और वो इस हीरे को भारत से बाहर ले गया। इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह फिर कोहिनूर हीरे को वापस ले आए। आखिर में कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के हाथ लगा और इस हीरे का रोमांचकारी सफर एक महल में कैद होकर रह गया। एक आर्टिकल के मुताबिक 29 मार्च 1849 में ही कोहिनूर हीरा रानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया गया था। इसके बाद से ही कोहिनूर रानी के ताज में जड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बाबर ने कोहिनूर के बारे में कहा था कि जिसके हाथ में यह हीरा होगा उसके हाथों में ही सबसे अधिक ताकत होगी। रानी विक्टोरिया के पास जब यह हीरा था तब दुनिया की सबसे अधिक ताकत उन्हीं के हाथों में थी।